हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, एक्सेल का वो टॉपिक है। एक्सेल में जो पेज लेआउट का जो टैब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जो जिसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि पेज लेआउट में इस फंक्शन का यूज़ क्या है, कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़ में जब आप प्रिंट आउट निकालते हो, जब आप पेज सेटअप करते हो, तो उसकी मैं जानकारी देने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके अंदर। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो यही है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन आता है। ओके, तो हम ये ऑप्शन को देख लेते हैं आज कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसका ऑप्शन का इस्तेमाल करना है आपको, कौन सी सिचुएशन में कैसे। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। ओके, सबसे पहले तो एक बात बताइए कि क्या आपको एक्सेल में कभी पता चल पाया है कि आपका एक पेज कहां से कहां तक रहता है? क्योंकि जब आप राइट एरो की इसको प्रेस करते हो तो ये एंड तक जाता रहता है, बराबर। तो अगर आपको जानना है कि आपका एक एक्सेल का पेज कहां से कहां तक रहता है, तो यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको पेज लेआउट का। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक पेज लेआउट का ऑप्शन दिखता है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एक पेज कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स शोइंग यू डैट इन एक्सेल वन पेज स्टार्ट फ्रॉम ए टू जे, एंड वाइल नंबरिंग वाइज इट्स स्टार्ट फ्रॉम वन टू, जस्ट स्क्रोल डाउन, इट्स शोइंग यू 1 to 47। ओके, सो रो वाइज ये 1 to 47 रहता है पेज नंबर, एंड कॉलम वाइज इट्स ए टू जे, फिर उसके बाद सेकेंड पेज आपका स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से एन नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है मार्जिन। अभी ये आपका ये एक पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेफ्ट मार्जिन है आपकी और ये राइट मार्जिन है। अभी मार्जिन में अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ना मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया, ठीक है, एक शेप मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अभी देखिए, जब आप यहाँ पे पेज लेआउट में मार्जिन का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आप मार्जिन में गए, यहाँ पे आप गए कस्टम मार्जिन में, अब यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन आपकी दिखा रही 0.7 और राइट मार्जिन भी आपकी दिखा रही 0.7। मान लीजिए जब आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप चाहते हैं प्रिंट आउट में जो लेफ्ट मार्जिन है इसका गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ये 0.7 को इंक्रीज कर सकते हो, और मान लीजिए आपने इसका कर दिया 1.2, तो यानी आपका ये स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। एंड सी, आप देख सकते हो कि आपका ये स्पेस इंक्रीज हो चुका है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये होता है आपका मार्जिन का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या, पेज को पोर्ट्रेट में आपको चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए? तो ओरिएंटेशन में जाना है, और अगर आप पोर्ट्रेट देख सकते हो, पोर्ट्रेट यानी ये आपका ये अभी जो करंट पोजिशन है पोर्ट्रेट है, और लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप में आपका आप देख सकते हो आपका पेज ब्रॉड हो चुका है। सी, इसका साइज ब्रॉड हो चुका है ना, लैंडस्केप टाइप हो चुका है, और वापस से अगर आप पोर्ट्रेट करोगे तो ये सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट। सी, ओके, नेक्स्ट होती है पेज की साइज। अभी साइज में जाना है आपको, देखिए सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जब नॉर्मल हम पेपर का प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम बोलते हैं A4 साइज का प्रिंट आउट देने, बराबर, तो A4 पे क्लिक करना है आपको, तो ये A4 साइज हो जाएगा। जैसे आपको लेना लीगल करोगे तो लीगल पेज की साइज हो जाएगी इसकी, सी, और अगर नॉर्मल करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लीगल करके छोड़ सकते हो, नहीं तो A4 करना है तो A4 भी आप कर सकते हो, ओके। और ये जो मार्जिन आपने ये चेंज किया, अगर इसको वापस से नॉर्मल करना है तो आप मार्जिन में जाओ, यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करो तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिंट एरिया। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट में गया, यहाँ से मैंने एक और एक शेप इंसर्ट किया, स्माइली शेप या कुछ भी ऐसे शेप मैंने इंसर्ट कर दिया, ओके। अभी आप देख सकते हैं जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका प्रिंट आउट, जैसे कि यहाँ पे फाइल में गए और यहाँ पे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं दोनों शेप आ रहे हैं प्रिंट आउट में, बराबर। अब मान लीजिए कि आपको प्रिंट आउट में ये शेप नहीं चाहिए, सिर्फ ये शेप चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो पेज लेआउट में प्रिंट एरिया का ऑप्शन आता है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करो, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाओ और यहाँ से करो सेट प्रिंट एरिया। क्या करना होगा आपको यहाँ पे, सेट प्रिंट एरिया, तो सेट प्रिंट एरिया पे आपको सेलेक्ट करना है, और जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सी। अब नीचे वाला शेप आपका प्रिंट पे नहीं आया, सिर्फ ये वाला आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये प्रिंट एरिया क्लियर करना है तो आपको क्या करना होगा, वापस उसको सेलेक्ट करो, प्रिंट एरिया में जाओ और यहाँ से करो क्लियर प्रिंट एरिया,
तो क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड्स एंड ब्रेक्स तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, जो कि आपको पेज सेटअप में यूज़ हो। बैकग्राउंड मतलब क्या, कि इसके पीछे का कोई पिक्चर डालने तो वो आप डाल सकते हो, जैसे कि आप बैकग्राउंड्स में गए और यहाँ पे आपने ब्राउज किया तो आपको कोई पिक्चर सेलेक्ट करना होगा कि पिक्चर्स में हम देख लेते हैं कोई अगर पिक्चर है तो इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई पिक्चर डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे तो वो इसके पीछे सेट हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे वो है प्रिंट टाइटल। अभी प्रिंट टाइटल का ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने पेज को वापस से नॉर्मल में कर दो। किस में कर दोगे आप? नॉर्मल। अब मैं बताता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एक टेबल बनाया है, एक शीट में एक रफ मैंने ये तैयार किया है कंटेंट्स। तो अभी इसका जो यूज़ है प्रिंट टाइटल का वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। अभी जब आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो, जैसे कि आप फाइल में गए, आप गए यहाँ पे प्रिंट में, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 जो यहाँ पे आता, देखिए ये जो ऊपर हेडिंग आ रही है ना, ए बी सी डी 1 2 3, तो जब आप प्रिंट निकालते हो ना तो प्रिंट में वो आपको दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हो ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये चाहिए प्रिंट में तो आप प्रिंट टाइटल्स में जाओ, यहाँ से आप देख सकते हो रोज एंड कॉलम हेडिंग, इसको टिक करो, ओके करो, और जब आप अभी प्रिंट निकालोगे तो वो आपको शो हो जाएगा वहाँ पे। सी ए बी सी डी एंड 1 2 3 4 सारा आपको शो हो रहा है, ओके। अगर आपको वापस से नहीं चाहिए तो वापस ही प्रिंट टाइटल में जाओ, इसको अनटिक कर दो, है ओके कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन, जब आप यहाँ पे इसका प्रिंट निकालते हो, जब हम गए फाइल में, यहाँ पे जो हेडिंग है ना, नेम रोल नंबर एंड मार्क्स, तो क्या ये आपको हर पेज पे दिखाई देता है? नहीं, आप चेक कर सकते हो, प्रिंट पे जाओ, देखो ये आपका फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आपको नेम रोल नंबर मार्क्स तीनों दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप सेकंड पेज पे जाओगे तो सेकंड पेज पे आपको ये हेडिंग दिखाई नहीं देगा, ये हेडिंग गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आपको ये हेडिंग को हर पेज पे दिखाना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको अगेन जाना है प्रिंट टाइटल में, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है रोज टू रिपीट एट टॉप, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो पहला रो है, ये पूरा पहला रो आपको सेलेक्ट करना है, ओके। ये पूरा रो सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है एंड फिर वापस से फाइल पे जाना है, प्रिंट पे जाना है आपको। अब आप चेक करोगे पहले पेज पे तो आ रहा है, लेट्स सी सेकंड पेज पे आ रहा है कि नहीं। ये देखिए सेकंड पेज पे भी शो हो रहा है, थर्ड पेज पे भी शो हो रहा है, फोर्थ पेज, सब पे शो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको ये, ओके। अच्छा, अभी मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टोटल पेजेस कितने हो गए प्रिंट आउट के, 6 पेज हो गए, ठीक है। आप चाहते हो भाई कि यार इतना ज़्यादा पेज हो रहा है, इतना वेस्ट होगा, मतलब ज़्यादा आपका कॉस्ट लग जाएगा, तो आप चाहते हो कि भाई पेज कम हो जाए, चाहे 4 पेज के अंदर कंटेंट्स एडजस्ट हो जाए या 5 पेज के अंदर कंटेंट एडजस्ट हो जाए, तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपको, अगर आप पेजेस कम करोगे तो आपके कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्लोजर आ जाएंगे एक दूसरे के, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो करना कैसे, इसके लिए आपको जाना है प्रिंट टाइटल्स में, और यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स में नहीं जाना आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है विद हाइड एंड स्केल का, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, अभी मान लीजिए आपका टोटल 6 पेज हो रहा है, आपको उसको 4 पेज में कन्वर्ट करना है या 5 पेज में, मान लीजिए मैंने बोला 4 पेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 4 पेज ले लो और यहाँ से भी आप 4 पेज ले लो, तो इसका परसेंटेज स्केल कितना हो गया, 73% है। और जब आप चेक करोगे इसका प्रिंट, तो जब आप प्रिंट चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल पेजेस कितना दिखा रहा है, 4 पेज, और सारे कंटेंट एडजस्ट हो गए हैं उसी 4 पेज में, लेकिन थोड़ा क्लोजर आ गए एक दूसरे के कंटेंट्स और थोड़े टाइनी साइज हो गई उनकी कंटेंट्स की, आप देख सकते हो, है ना। टोटल कितने पेज हो गए आपके, ये 4 पेज, समझ में आया आप कैसे पेज का ये जो रहते हैं आप हमारे पेज के नंबर ऑफ पेजेस कम कर सकते हो। और वापस आपको इसको नॉर्मल करना है, तो वापस आप इसको कर दो ऑटोमेटिक, यहाँ से कर दो ऑटोमेटिक, और ये 73% का वापस से क्या कर दोगे, 100%, ओके। अब जब आप चेक करोगे इसका प्रिंट, कंट्रोल पी दबाओगे तो आपको वापस ये 6 पेज दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कैसे हम पेजेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो गाइडलाइंस है, ठीक है, ये जो लाइनिंग्स है इसको गाइडलाइंस बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, गाइडलाइंस। अभी अगर आपको यहाँ पे शो नहीं कराना है तो आप इसको टिक करो, तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, वापस चाहिए तो इसको टिक करो, ये आ जाएगा। जब आप प्रिंट करते हो कंट्रोल पी दबा के, तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस नहीं दिखती है,
अगर आपको यहाँ पे चाहते हो ये दिखे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट पे टिक करो, अब कंट्रोल पी दबा के चेक करो तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दिख जाएगी। उसके बाद हेडिंग्स, ये जो ए बी सी डी 1 2 3 आपने लिखा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको अनटिक करो, गायब हो जाएगा, चाहिए तो वापस से टिक करो। और जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट में आपको हेडिंग दिखाई नहीं देते, हमने पहले भी देखा था ये ए बी सी डी 1 2 3। ओके, अगर आपको ये प्रिंट में भी चाहिए तो आप ये प्रिंट पे क्लिक करो, जब आप कंट्रोल पी दबाओगे आप जब यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ए बी सी डी 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं पेज सेटअप का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था आपको एक्सेल में कि कैसे किया जाता है, और ये आप कोई भी एक्सेल में यूज़ कर सकते हो, एक्सेल 2013 हो, 16 हो, 19 हो, मैं 2019 में कर रहा हूँ, आप इसे कोई भी जो वर्जन है एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट्स एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।